गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक होंगे। आपका भाई नहा के फ्री हो चुका है और चलते हैं आज किसी नई लोकेशन पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा सांझा गार्डन, जिसमें मोतीलाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है। इस ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी गल्ला मंडी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी लेबर खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये है अपना महावीर नगर, ये ऊपर है हीरा सदन। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं रॉयल, और आप देखिए यहाँ से हम लेंगे अपना लेफ्ट, और आप देख सकते हैं रॉयल का फ्लाईओवर के नीचे हम अभी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं और अब हम चलते हैं अपना ऊपर। अभी हम यमुना ब्रिज के सर्विस रोड पर आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं वाटर वर्क्स के फ्लाईओवर के नीचे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सजा हुआ है फ्लाईओवर। और हम जाएंगे लेफ्ट साइड, ये अपना फ्लाईओवर के नीचे कितना अच्छा सजा हुआ है आप देख सकते हैं, और अभी हम जाएंगे लेफ्ट। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, और ये है अपना यमुना व्यू के नाम से बिल्डिंग बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जीवनी मंडी के रोड पर चल रहे हैं। तो बीच में खाटू श्याम जी पड़े, तो आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ से रेड फोर्ट इलाका स्टार्ट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल चक्कर बना हुआ है, और हम जाएंगे नीचे होकर। तो फ्रेंड्स, अभी आपका भाई आ चुका रेड फोर्ट साइड, लाल किले साइड। तो फ्रेंड्स, ये बीच में अपना रेड फोर्ट पड़ा है, जो कि मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ। अभी हम आ चुके हैं ताजमहल वाले गोल चक्कर पर, और जो हमने पहले भी दिखाया था ताजमहल का पूर्वी गेट यहाँ पर है, और ये है अपना गोल चक्कर। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की लोकेशन की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये है अपना सांझा गार्डन साइड में। आपको आज दिखाते हैं सांझा गार्डन अंदर से कैसा है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये अपना सांझा गार्डन, चलते हैं अंदर। अब एक आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां। हम आ चुके हैं सांझा गार्डन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी अच्छी है आज की, और ये बीच में जलाशय, ये तो थोड़ा पानी सा भरा हुआ है चारों तरफ, और ये है मोतीलाल नेहरू जी की स्टैचू जो आप ऊपर देख सकते हैं, और ये देखिए आप इस गार्डन के नज़ारे। ये है सांझा गार्डन अपना, जो ताजमहल के राइट साइड है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है इधर, और आप देख सकते हैं पार्क कितने सुंदर हैं, हर तरफ पेड़ ही पेड़। और ये रास्ता गई हुए हैं आगे के लिए, बहुत बड़ा है ये पार्क। आप देख सकते हैं आगे ग्रीनरी कितनी अच्छी है, और ये रोड गया हुआ है आगे के लिए। तो फ्रेंड्स हम अभी इस रोड पर चल रहे हैं, आगे इसमें निशुल्क जिम बनी हुई है जो हम आपको दिखाएंगे। और ये आप देखिए पीछे कितनी ग्रीन ग्रीन पार्क हो रखे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें निशुल्क जिम बनी हुई है, तो ये है निशुल्क जिम जो भाई उधर झूल रहा है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है निशुल्क जिम यहाँ की, जो कि ठीक ठाक बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जिम निशुल्क वाली, ये हमारा भाई एक झूल रहा है इस पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें पीछे की साइड बहुत जंगल पड़ा हुआ है ये कीटम झील की तरह से, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत गहरा नाला भी है, अगर यहाँ पर कोई गिर गया तो नहीं बचेगा, ये गहरा नाला है इधर साइड में। तो आप देख सकते हैं ये बाहर के लिए बिजली घर के लिए रोड गया हुआ है इधर से बाहर की साइड में, रोड साइड में। तो फ्रेंड्स ये दो रास्ता गई हुई हैं आगे से, जिसमें हम लेफ्ट साइड चलेंगे, पहले देखते हैं लेफ्ट साइड क्या है आगे। तो आप देख सकते हैं इधर सुनसान सा पड़ा हुआ है, पीछे सफाई भी कम है थोड़ी, और आप देख सकते हैं लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आगे एक साइड हम चल रहे हैं, इधर से आगे से ताजमहल साइड भी निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो सामने रोड है, वो सीधा ताजमहल के लिए गया हुआ है, राइट साइड से सीधे निकलेंगे तो ताजमहल जाके निकलेंगे। ये पौधशाला बनी हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताना, बहुत पुराना बोर्ड हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर विंडो लूप, इधर गैस का टैंकी भी है साइड में, और इधर लोग भी रह रहे हैं इसमें अंदर पार्किंग में। तो फ्रेंड्स ये है नक्षत्र वाटिका लिखी हुई है आप देख सकते हैं, और इसमें होती है फूलों की खेती जो बहुत सुंदर लग रही है। इधर राइट साइड ये ताजमहल साइड गया हुआ है, और लेफ्ट साइड ये मार्केट साइड निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा गार्डन है जो कम से कम 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें चारों तरफ रास्ता गई हुई हैं जो अलग अलग मार्केट के लिए निकल जाती है, और एक रास्ता ताजमहल साइड निकल जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेन नहीं है, मैंने इसमें रास्ता ही है जो मोतीलाल नेहरू जी की मूर्ति है वही मैंने, और ये गार्डनों के लिए माना जाता है जिसमें हमने आपको गार्डन दिखाई चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय।